भारी मौसम में सब्जियां, खास करके टमाटर और प्याज की कीमतों में काफी तेजी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली सहित कई शहरों में इनकी कीमत में पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी आई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बेमौसम बारिश से फसल खराब होने की खबरों के बीच मंडियों में आवक सुस्त रहने से सोमवार को महानगरों में टमाटर का खुदरा भाव बढ़कर 93 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। मेट्रो शहरों में कोलकाता में टमाटर 93 रुपए प्रति किलो, चेन्नई में 60, दिल्ली में 59 और चेन्नई में 53 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोमवार को बेचा गया। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा ट्रैक किए गए 175 शहरों में से 50 से अधिक शहरों में टमाटर की खुदरा कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक थी। थोक बाजारों में भी कोलकाता में टमाटर 84 रुपए प्रति किलो, चेन्नई में 52, मुंबई में 30 और दिल्ली में 30 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में बेमौसम बारिश के कारण फसल को हुए नुकसान के बीच खराब आवक के कारण टमाटर की कीमतों में मजबूती बनी हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में प्याज की कीमत 50 से 65 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। बता दें कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के प्रमुख उत्पादक राज्यों में कटाई चल रही है। वहीं आजादपुर टमाटर एसोसिएशन के अध्यक्ष के अनुसार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे उत्पादक राज्यों में बेमौसम बारिश ने फसल को नुकसान पहुंचाया है, जिससे दिल्ली जैसे उपभोक्ता बाजारों में आपूर्ति प्रभावित हुई है। इससे थोक और खुदरा बाजारों में कीमतों में वृद्धि हुई है। बता दें कि टमाटर की फसल बोने के लगभग 2 से 3 महीने में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। फसल की कटाई बाजार की आवश्यकता के अनुसार की जाती है। नेशनल हॉर्टिकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के अनुसार चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश भारत है। भारत 7.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से लगभग 25.05 टन प्रति हेक्टेयर की औसत उपज के साथ लगभग 19.75 मिलियन टन का उत्पादन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स।